का गुण अद्भुत है, बोलने वालों में हनुमान जी की शैली अद्भुत है। एक ही एक बात से एक प्रश्न का समाधान हो सकता है, लेकिन एक बात से कई प्रश्नों का समाधान कर दें, ये हनुमान जी की में सामर्थ्य है। श्री जानकी जी ने जब कहा कि भगवान ठीक हैं, तो इसके पीछे गूढ़ प्रश्न ये था कि अगर हनुमान कहते हैं कि राम जी ठीक हैं, लक्ष्मण भैया ठीक हैं, तो जानकी जी का भाव ये है कि मेरे बिना भी वो ठीक हैं, मतलब मेरे ना होने से कोई असर नहीं पड़ा। और अगर हनुमान जी कहते कि वो ठीक नहीं है, तो जानकी जी और ज्यादा दुखी हो जाएंगी कि भगवान ठीक नहीं है तो क्या उत्तर दे। और जानकी जी बड़ा सुंदर बोली कि वो तो बड़े कोमल हैं, फिर आज कठोर कैसे बन गए। हनुमान जी से पूछ रही है, मेरे भगवान तो बड़े सुकोमल हैं, फिर आज कठोर हृदय कैसे हो गए। तो हनुमान जी बोले, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो कठोर हो गए। जानकी जी ने कहा, अगर कोमल होते तो अभी तक रावण ने हजारों अत्याचार मुझ पर किए, रोज नई नई भयंकर राक्षसियों के साथ मुझे डराने का प्रयास करता है, रोज मुझे मारने का प्रयास करता है। मैं तो मेरे उन राम जी को जानती हूँ जिन्होंने चित्रकूट पर जयंत ने थोड़ी सी चोंच मार दी थी मेरे चरण में, इतने में एक दो बूंद रक्त बहा और भगवान ने ब्रह्मास्त्र बना दिया एक सींक को, और उस सींक का बाण उसके पीछे छोड़ दिया। कितने सुकोमल मेरे भगवान, मेरी पीड़ा तो इतनी भी सहन नहीं करते थे, फिर आज इतने दिन से मैं रावण के बंधन में हूँ और भगवान आए नहीं, तो क्या आज वो कोमल परमात्मा कठोर हो गए। और बड़े सुंदर भाव से जानकी जी ने जब प्रश्न किया तो हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं, और हनुमान जी का उत्तर अद्भुत है। कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल पीके ही है तू धरी निठुराई, कर रहे हैं तो बात करने की शैली देखें। जानकी मैया ने कहा, भगवान कुशल से हैं, तो देखो कुशलता भी बता रहे हैं, और साथ में जानकी जी को ये ना लग जाए कि मेरे बिना उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसका भी उत्तर दे रहे हैं। माँ तू कुशल प्रभु अनुज समेता, भगवान अनुज के साथ लक्ष्मण जी के साथ कुशल है। जानकी जी के
चेहरे पर भाव बदला कि मेरे बगैर कोई भगवान को फर्क नहीं पड़ा। तब दुख दुखी शुक्रपा निकेता, हनुमान जी ने अगली बात कही। वैसे तो भगवान ठीक है, पर तब दुख दुखी, आपके दुख से सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। तो जानकी जी के मन में थोड़ी सांत्वना हुई कि भगवान भी मेरे विरह में दुखी हैं, मेरे लिए भगवान भी पीड़ित है। जानकी जी ने कोमल चित कृपाल रघुराई, जानकी जी ने कहा वो तो इतने कोमल थे, कठोर कैसे हो गए? क्या मुझे भुला दिया, क्या मुझे भूल गए? तो हनुमान जी का उत्तर सुनो। हनुमान जी कहते हैं कि माँ, मैं इस प्रश्न के उत्तर में आपसे एक प्रश्न करूं? जानकी जी ने पूछा क्या, तो हनुमान जी ने कहा क्या आपने भगवान को भुला दिया? तो जानकी कहती है कि मेरा तो प्राणों का आधार ही भगवान का सुमिरन है, मैं राम जी को भूल जाऊं तो मेरा तो प्राण ही समाप्त हो जाए। मैं तो राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, सबसे ज्यादा याद करती हूँ। तो हनुमान जी का उत्तर सुनो। जन जननी मानस जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जितना आप प्रेम करती हैं ना भगवान को, उससे दुगना प्रेम वो आपसे करते हैं। अब आप देख लो, आप कितना करते हैं उससे दुगना राम जी करते हैं।